तेरी कहानी प्रायोजक फेयर एंड लवली क्रीम न्यू फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन प्रॉब्लम है आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन तुम प्रॉब्लम में जरूर नजर आ रही हो तुम्हारी इस ड्रेस के साथ ये स्कार्फ बहुत अच्छा लगेगा देखो लो ना तारा वक्त पर घर आ जाए छोड़ो देवयानी ओ तो अब तुम मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहते हो हाँ वैसे यही एक काम तो बाकी रह गया क्यों रो सच कहा ना मैं हटो सामने से वैसे आज तुम्हारे कैबिन से बड़े हंसते खिलखिलाने की आवाजें आ रही मेरे साथ तो बड़े गुस्से में रहते हो तुम उस ज्योति के साथ तुम्हारा चेहरा खिल जाता है ऐसा क्यों है? सीधी सी बात है दिव्यानी संगत का असर होता है तुम जैसी हो सामने वाला भी तुम्हें वैसा ही नजर आएगा जैसा करोगी तुम्हें वैसा ही मिलेगा दिव्यानी इसका मतलब तुम अपनी अय्याशियों का इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा और ना ही मेरी ऐसी आदत रही है और ये चीज मैं तुम्हें हजारों बार बता चुका हूं कि मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा दिमाग बड़ी बड़ी खुराफातें सोचने में इतना मशरूफ रहता है कि तुम्हें मेरी बात समझने का वक्त ही नहीं मिलता अभी तुम्हारे ऑफिस में कोई काम नहीं है ना तो तुम अपने केबिन में जाओ वहां अकेले बैठकर सोचो कि तुम्हारे साथ जिंदगी में अब कौन बचा है और प्लीज मुझे अपना काम करने दो
मौसम बदले, ये ऋतु बदले, प्यार बदल ना पाए, इन फूलों की तरह हमेशा तू मुस्कुराए। सब तुम्हारे लिए है तारा। जरूरत थी? ये तो कुछ भी नहीं है तारा, कुछ भी नहीं। मेरा बस चले तो मैं इस आसमान के सारे तारे तोड़कर तुम्हारे दामन में सजा दूं, ताकि इन तारों की रोशनी से तुम्हारी जिंदगी हमेशा जगमगाती रहे। पता है कुमार, मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे तुम्हारे जैसा हमसफर मिला। सिल्वर स्टील प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैंने स्टडी कर ली है। ये डील हमारी कंपनी को अगले कुछ ही दिनों में फाइनलाइज करनी होगी। ज्योति मैडम, आपने जिस प्रोजेक्ट की फाइल की तैयारी करनी गई थी वो मैं तैयार कर चुका हूँ। आप इसके स्टैटिस्टिक्स मुझे भिजवा दीजिए, मैं इसकी फाइनल रीडिंग कर लूंगी। ओके मैडम। और मिस्टर आशीष, आप एक मेमोरेंडम बनाकर मुझे दे दीजिए। और मिश्रा जी, आप अपनी फाइल मिस्टर आशीष को सबमिट कर दीजिएगा। गाइस, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रहे कि आप लोगों से कहीं कोई कमी ना रह जाए। अगले कुछ ही दिनों में हमारे इस प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर स्मिथ के साथ मीटिंग होने वाली है। सो गाइस, यू बी बेटर रेडी। ऐसा लगता है जैसे इस कंपनी का बॉस रवि नहीं, ये दो कौड़ी की ज्योति है। वैसे यही सही समय है इसे इसकी सही औकात दिखाने का। चलो ये भी कर लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। वेल, लगता है तुम सब कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो। क्यों सुरेश, जरा मुझे भी बताओ कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो। आखिर तुम लोगों की बॉस तो मैं ही हूँ। मैडम, वो ज्योति मैडम हमें वो सिल्वर स्टील प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही थी। वाह ज्योति, वेरी गुड। वैसे ज्योति, आजकल तुम्हें नहीं लगता है कि तुम हमारी कंपनी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही? हाँ हाँ, क्यों ना हो। आखिर हमारी पूरी कंपनी में जितना भी काम है उस सारे काम का बोझ तुमने अपने अकेले के सर पे ले लिया। हाँ हाँ, क्यों ना हो। आखिर हमारी पूरी कंपनी में जितना भी काम है उस सारे काम का बोझ तुमने अपने अकेले के सर पे ले लिया। अब देखो ना, तुम्हारी वजह से ये सब लोग भी काम में ध्यान देने लगे। गुड जॉब ज्योति। थैंक यू मैम, लेकिन ये सब इस ऑफिस के लिए हो रहा है और ये लोग रवि सर की और इस कंपनी की जितनी रवि सर
ये बात तो मैं भूल ही गई थी ज्योति। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ज्योति कि तुम्हें भी तुम्हारे रवि सर के साथ काम करने में अच्छा लगता है, तुम्हारा मन जो लगा रहता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तुम्हारे रवि सर का चेहरा एक दिन के लिए भी ना देखो तो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। मैंने ठीक कहा ना ज्योति? ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैम? तुम्हें बुरा लग गया ज्योति? मैंने कुछ गलत कहा क्या? ज्योति ये तो नॉर्मल सी बात है। अरे तुम्हें नहीं पता लेकिन इस ऑफिस में हर कोई जानता है कि तुम तुम्हारे रवि सर की खास एम्प्लॉय बन गई। मेरी बात गलत लग रही तो इन सबसे पूछो भाई, सही कहा ना मैंने? वैसे ज्योति तुम्हें इस वक्त मुझे यहाँ देखकर भी बहुत ताज्जुब हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम्हें अपने रवि सर के कैबिन में होना चाहिए था। वैसे वो तुम्हारा सेकेंड होम जो बन गया है। सुनाई दे रहा है? नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ध्यान से सुनने की कोशिश करो, कुछ सुनाई दे रहा है? गौर से सुनो तारा, ये हमारे दिल की आवाज है। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे हे। प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है तारा, मैं यहाँ पे डांस हूँ। बोले तेरी बातें ये आती जाती सांसें, बस बोले तेरी बातें और देखो मैं तेरे ही खा। तुम एक काम क्यों नहीं करती ज्योति, तुम मेरी एक सलाह मान लो तुम्हारे अच्छे के लिए। देखो ज्योति तुम इतनी परेशान मत हो, क्या जरूरत है इतनी परेशानी लेने की? हा? तुम ये काम करो कि तुम पूरी कंपनी की बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तो क्या है ना, ये रवि की कैबिन के एक्स्ट्रा चक्कर जो लगाती हो ना वो तो बंद हो जाएंगे। मैम आप हद पार कर रही है। हद मैं पार कर रही हूँ या तू कर रही है? मेरे ही ऑफिस में मेरे ही पति के साथ इश्क लड़ाती है तू, और तू ही मुझसे हद में रहने की बात करती है। तूने क्या सोच लिया, तेरे जैसे एक दो कौड़े की सेक्रेटरी मेरी जगह ले सकती है, देवयानी की जगह ले सकती है? मैम आज तक मैंने आपके बारे में कभी कुछ बुरा नहीं कहा, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करती आई थी, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि इस ऑफिस के लोग
आपके बारे में जो राय रखते हैं वो क्यों रखते हैं? शट अप! क्या राय रखते हैं मेरे बारे में ऑफिस के लोग? क्या सोचते हैं मेरे बारे में? हाँ, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? बोल, क्या सोचते हैं? जानती है तू? तू जब इस ऑफिस में है, उससे भी पहले ये लोग मेरी इज्जत करते आए हैं। लेकिन जिस दिन से तेरे कदम इस ऑफिस में पड़े हैं ना, बस बस उस दिन से मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिलानी है तुम्हें। और ये लोग ना, ये सारे लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं ना, कौन बोलता है? ये तो उसकी वजह है तू, सिर्फ तू ज्योति। और हाँ, तू मुझे गलत ठहराना चाहती नहीं सबके सामने, मुझे देख इधर, सारे ऑफिस के सामने तेरे काले कर्मों के बारे में पता चल चुका है। देख इधर, मैम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्यों कर रही हो मैम? तुमने मेरी निजी जिंदगी तक को छीन लिया है, अरे मेरे पति तक को छीन लिया है तूने। वैसे क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ? हाँ, क्यों कर रही है? चाहती क्या है मुझसे? मेरे पति रवि को छीन लेना चाहती? हाँ हाँ बोल। इस घर में रहने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है? अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए भाजी तरकारी तक खरीदनी पड़ रही है। संजना के प्यारे बाबा बनना है ना, चलो प्यारे बाबा। प्रायोजक फेयर एंड लवली क्रीम न्यू